मैं ये सोच चुका था कि इंडिया जीत चुका है, क्योंकि इंडिया शुरू से ही उसकी हिस्ट्री उठा के देखें वो रन चेज करता रहा, वो रन चेजर है आज तक, उस जैसा इंडिया की टीम जैसा रन चेजर बैट्समैन किसी दुनिया के किसी भी टीम में पैदा नहीं किए और ना ही करेंगे। बड़ी बड़ी बातें की गई थी श्रीलंका लिचर टीम कहा जा रहा था इसको, लिचर समझते ना पंजाबी में कहते हैं लिचर, लिचर टीम कहा जा रहा था, क्योंकि यार ये इंडिया को पड़ जाएंगी, इंडिया ने इंडिया को स्कोर नहीं करने देना ज़्यादा अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की, बट इंडिया ने जो इनके साथ आज की है 50 स्कोर, मैं कहता हूँ नेपाल की टीम भी इतना स्कोर नहीं करती जितना इन्होंने किया आज। देखते 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 उनकी सारी टीम आउट हो गई, यार इतना जुल्म बच्चों पे कौन करता है, इन्होंने बेचारों को खेलने ही नहीं दिया, वो कोशिश कर रहे थे थोड़ा सा मैच को ना ढीला करे, पर इंडिया ने कहा भाई हमने मैच शुरू होने नहीं दिया, मैच शुरू होने से पहले खत्म। इतनी गंदी टीम एशिया कप की गंदी तरीन टीम साबित हुई, वो भी अपने अपने घर में अपने होम ग्राउंड में, वहां पर जाके ये जलील हो गई आज, मैं कहता श्रीलंका की टीम जलील हो गई, इतनी जलालत मैंने आज तक किसी टीम की नहीं देखी। फिक्स करना था उन्होंने यही मैच करना था और श्रीलंका के साथ ही करना था, श्रीलंका के साथ थोड़ी करना था, आप शुरू से देखें एशिया कप, चले आप दूर ना जाएं एशिया कप को ही फॉलो कर लें, एशिया कप के शुरू से परफॉर्मेंस देखें इंडिया की टीम, रोहित शर्मा ने अपने ईशन किशन को और शुभमन गिल को अपनी खिला के उनसे स्कोर चेंज करवाया, खुद नहीं आया, बहुत बड़ी बात है यार वर्ल्ड कप के लिए, बहुत बड़ा थ्रेट है। जब वसीम अकरम नया नया आया था वो ऐसी बॉलिंग करता था, बॉल जाती थी अंदर ऐसे बॉल जा रही थी अंदर उसकी, 6 आउट 12 स्कोरों पर 6 आउट, ये को मजाक किया इन्होंने श्रीलंका वालों ने, ये मुझे लगा खेले ही आए थे श्रीलंका ने, शायद उन्होंने थोड़ी हया कर ली, यार बच्चे हैं इंडिया वालों ने कहा थोड़े बच्चे हैं श्रीलंका वाले, इनको थोड़ा सा 50-60 स्कोर करने देते हैं, पर मेरा ये मन है 100 तो करने देते हैं यार। BCCI की बात करें तो लोग जितना बड़ा जिसका लेवल होगा ना उसके ऊपर उतने ही बड़े इल्ज़ाम भी लगेंगे, अगर ये BCCI पर लग रहा है तो उनका शान है उन पर ये इल्ज़ाम लग रहा है, ये इल्ज़ाम PCB पर नहीं लग सकता। मुझे तो लगता है ये सारे पागल हो गए हैं, 50 स्कोर पे मुझे बताओ कौन सी टीम मैच फिक्स करती है, मुझे ये बताएं, करना होता 200 पे कर लेते, 150 पे कर लेते कम अज़ कम, लेकिन 50 पे कोई नहीं, ये इनको मार पड़ी है, इनकी हुई है जलालत और ये हुई है पाकिस्तानियों की वजह से, ये पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेड बन गया, इंडिया सामने आया है कि हमेशा की टीम को बहुत ईजिली ले रहे हैं, यूरोपियन टीम सोच समझ के वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान आना। फिक्स तब उस सूरत में हो सकता था जब इन्होंने इंडिया की टीम ने सिर्फ इस मैच में परफॉर्म किया होता, अब इंडिया की टीम शुरू से ही परफॉर्म करती आ रही है, बैटिंग में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है, बॉलिंग में उन्होंने अपने आप को मनवा लिया है। कामरान क्या कहोगे, आज इंडिया ने तारीख रकम कर दी है, श्रीलंका को रन ही नहीं करने दिए, एक के बाद एक प्लेयर उनका घर जाता रहा है और श्रीलंकन टीम को आज इंडिया ने धूल चटा दी है। मैम बात की जाए कि श्रीलंका की टीम की, मुझे लगता है कि इनके साथ आज मजाक हो गया। अच्छा। बड़ी बड़ी बातें की गई थी श्रीलंका लिचर टीम कहा जा रहा था इसको, लिचर समझते ना पंजाबी में कहते हैं लिचर, लिचर टीम कहा जा रहा था, क्योंकि यार ये इंडिया को पड़ जाएंगी, इंडिया ने इंडिया को स्कोर नहीं करने देना ज़्यादा अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की, बट इंडिया ने जो इनके साथ आज की है 50 स्कोर, मैं कहता हूँ नेपाल की टीम भी इतना स्कोर नहीं करती जितना इन्होंने किया आज, इतनी गंदी टीम एशिया कप की गंदी तरीन टीम साबित हुई, वो भी अपने अपने घर में अपने होम ग्राउंड में, वहाँ पर जाके ये जलील होगी आज, मैं कहता हूँ श्रीलंका की टीम जलील होगी, इतनी जलालत मैंने आज तक किसी टीम की नहीं देखी, इंडिया के बॉलर्स को देखें यार, मैं परेशान हो गया जब उसने क्या नाम उसका सिराज ने बॉल फेंका और विकेट के अंदर जा रहा है, वो समझ ही नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है जैसे वसीम अकरम खेल रहा है, 2000 से पहले जब वसीम अकरम नया नया आया था वो ऐसी बॉलिंग करता था, बॉल जाती थी अंदर ऐसे बॉल जा रही थी अंदर उसकी, 6 आउट 12 स्कोरों पर 6 आउट, ये को मजाक किया इन्होंने श्रीलंका वालों ने, ये मुझे लगा खेले ही आए थे। अच्छा कहा जा रहा है कि मैच फिक्स था, इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रही है कि ये मैच फिक्स था, क्या लगता है वाकई में मैच फिक्स था या ये लोगों की जेलसी बोल रही है? मुझे तो लगता है ये सारे पागल हो गए हैं, 50 स्कोर पे मुझे बताओ कौन सी टीम मैच फिक्स करती है, मुझे ये बताएं, करना होता 200 पे कर लेते, 150 पे कर लेते कम अज कम, लेकिन 50 पे कोई नहीं, ये इनको मार पड़ी है, इनकी हुई है जलालत और ये हुई है पाकिस्तानियों की वजह से। किसानों ने बद्दुआएं इतनी की थी, बड़ी बद्दुआएं की है, यकीन करें कल से मैं लोगों को देख रहा था, लोग मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए थे, कहते थे अल्लाह करे श्रीलंका हार जाए, इंडिया वाले इन्होंने पवन जिम्मे कुत्ता पीता। और पाकिस्तानी सिर्फ इंडिया को इसलिए जिताना चाहते थे ताकि श्रीलंका से अपना बदला ले सके, मैंने आज तक पाकिस्तानियों के इंडियन के लिए इतनी दुआएं करते नहीं देखा जितना इन दो दिनों में देखा मैंने। मैम ऐसे ही है, पाकिस्तानी ने बड़ी दुआएं की हैं, वो चाहते थे कि इंडिया जीते श्रीलंका हारे, इंडिया को जिताने के लिए लोग दुआएं करते रहे हैं और इतनी दुआएं, मैं बिलीव करें लोग झोलियाँ उठा कर रहे थे, श्रीलंका को नहीं छोड़ना, इनको नहीं छोड़ना, इनकी वजह से हम लोग एशिया कप से बाहर हुए हैं, वरना पाकिस्तान इंडिया का फाइनल आना था।
अच्छा कामरान, आपको उम्मीद थी कि आज इंडिया जीतेगा या आप श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे? मैम, मुझे तो 100% यकीन था कि इंडिया ने जीत जाना है। अच्छा। ये नहीं कि मैं आज स्कोर की वजह से कह रहा हूँ या मैच जीतने की वजह से, मुझे पता था इंडिया ने जीत जाना, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग टीम है, इतनी एस्टेब्लिश टीम है। ये उन्होंने एशिया कप की टीम नहीं भेजी थी, ये उन्होंने वर्ल्ड कप की टीम भेजी थी। और इतनी बड़ी टीम उन्होंने इसलिए भेजी थी कि वो चेक करना चाह रहे थे कि आया कि हमारे प्लेयर्स इस काबिल हैं कि वो यानी कि वर्ल्ड कप खेल सकें। तो उन्होंने खेल के दिखा दिया कि भाईजान हमारे हैं, वर्ल्ड कप खेलने के लिए आप तैयार हो जाओ। सिराज की आज आपने बॉलिंग चेक की है? मैं सिराज की बॉलिंग से मैं तो परेशान हूँ। मैंने आगे बात की है, उसकी बॉल तो वसीम अकरम को भी काट गई है, अंदर मूव की जा रही है, पता नहीं कहाँ से ये लेके आए। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग, एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे जडेजा से कर रहे थे, बुमराह से कर रहे थे, और वो वाला कुलदीप से कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी कुलदीप से, कुलदीप इनको खतरनाक साबित होगा। बट जो आज सिराज पड़ा उसको मस्की माँ की दुआ लगी। 15 ओवर्स पर मैच खत्म, 15 ओवर में मैच खत्म, ये तो मजाक है ना। मैं तो कहता था कि 5 ओवर में खत्म कर देंगे, शायद इंडिया वालों ने जरा प्यार से खेला, चल यार जरा इनको थोड़ा सा मौका दे। चलिए, मजा आया श्रीलंका को श्रीलंका के होम ग्राउंड पे हारते हुए देखकर। बड़ी खुशी हुई है, यकीन करें इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। इंडिया के जो विराट कोहली साहब है ना, उनकी तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो इंडिया ने आज हराया ना इन्होंने, और जो इनकी इनकी होम ग्राउंड में की है, इनकी वजह से पाकिस्तान जलील हुआ, तो इनका बनता था। सोचिए अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल में टकरा होता तो आज पाकिस्तान का क्या हाल होता? शुक्र करे अल्लाह का, हम लोग तो दुआ कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह तूने बचा लिया, इज्जत रख ली है। पहले तो चलो 350 खा के 100, वो भी जलालत थी हमारी, बट आज जो ये जलालत इनकी होगी ना, अगर पाकिस्तान यहाँ पर होती ना तो पाकिस्तान मुंह दिखाने के लायक नहीं रहना था, बड़ा मुश्किल हो जाता। क्रिकेट टीम ने रोते हुए वापस आना था, इतना मारना था इंडियन क्रिकेट टीम ने। सर मारना था, उन्होंने जलील करना था सर, उन्होंने एक आउट करने के बाद नाचना था ग्राउंड में, हाँ जी कैसा लगा, फिर उन्होंने एक स्कोर करना था, उसके बाद उन्होंने नाचना था, हाँ जी एक हो गया जी, गेंदर हो एक गेंदर वो स्कोर तो बज रहा है, 50 तक उन्होंने गिनती करवानी थी। अच्छा, श्रीलंका ने तो फिर 50 कर लिया, पाकिस्तान तो मुझे लगता है 30 भी टप था। 30 क्या, 20 भी कर सकता था, बड़ा मुश्किल था। पाकिस्तान के पास इस टाइम कुछ नहीं है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इस टाइम तैयार नहीं है मेरी नज़र में पाकिस्तान टीम, इसलिए इसको पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जरूरत है अपनी टीम के ऊपर फोकस करें बस। कामरान, आज इंडिया की इस कामयाबी पर क्या कहना चाहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम को? मैं तो कहता हूँ इंडिया वाले तुम लोग छा गए हो, बिलीव करो तुम लोगों ने वो कर दिखाया जो आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ। 6-6 आउट कर दिए, 50 पे इतनी बड़ी टीम, लिच्चर टीम को तुम लोगों ने आउट किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ऐसे खेलते रहो और वर्ल्ड कप में मज़ा आएगा आपको खेलता हुआ देखते हुए। हम लोग चाहते हैं विराट कोहली सेंचुरी करे, आज उसको मैं उम्मीद कर रहा था विराट कोहली सेंचुरी करेगा, बट मुझे लगता है वर्ल्ड कप में जरूर सेंचुरी करेगा, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। वलीद, क्या कहोगे आज इंडिया ने इतनी आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, श्रीलंका को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया, उन्हें रन ही नहीं बनाने दिए, एक के बाद एक प्लेयर उनका ग्राउंड से वापस जाता हुआ दिखाई दिया। यार देखिए, मोहम्मद सिराज को सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा। जिस तरह से उसने बॉलिंग की है, ऐसी बॉलिंग मैंने उसकी सिर्फ आईपीएल के अंदर देखी थी। एक ओवर में 4 विकेट से ले रहे हैं यार, 12 स्कोर में 6 आउट थे। मुझे मेरे छोटे भाई ने आगे उठाया, कहता यार देख इंडिया ने कितनी क्या तबाही मचा दिया है। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ये श्रीलंका है, फिर मैं देख ही रहा हूँ एक ओवर आउट हो गया, देखते 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 उनकी सारी टीम आउट हो गई यार, इतना जुल्म बच्चों पे कौन करता है इंडिया। आप यकीन करो पाकिस्तानी आवाम को यकीन नहीं आ रहा था, वो आंखें मल मल के स्कोर बोर्ड देख रही थी। देखो मैच शुरू हुआ ही नहीं है, इन्होंने बेचारों को खेलने ही नहीं दिया, वो कोशिश कर रहे थे थोड़ा सा मैच को ना ढीला करे, पर इंडिया ने कहा भाई हमने मैच शुरू होने नहीं दिया, मैच शुरू होने से पहले खत्म। मुझे लग रहा है ये हिस्ट्री का सबसे जल्दी मैच खत्म होने वाला मैच बन जाना था, जब 12 स्कोर पे 6 आउट हुए थे, मुझे लग रहा था 20 पे ऑल आउट डन खत्म। पर श्रीलंका ने शायद उन्होंने थोड़ी हया कर ली, यार बच्चे हैं, इंडिया वालों ने कहा थोड़े बच्चे हैं श्रीलंका वाले, इनको थोड़ा सा 50-60 स्कोर करने देते हैं, पर मेरा ये मानना है 100 तो करने देते हैं यार, चलो पाकिस्तान के आसपास तो करने देते, 50 पे ऑल आउट। और इंडिया ने बहुत अग्रेशन दिखाया अपना, लाइक रोहित शर्मा ने अपने ईशन किशन को और शुभमन गिल को अपनी खिला के उनसे स्कोर चेंज करवाया, खुद नहीं आया, बहुत बड़ी बात है यार, वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ा थ्रेड है। आपको पता है इंडिया एशियन टीम्स की तैयारी बिल्कुल नहीं अब कर रहा, उसने पाकिस्तान को 128 पे ऑल आउट किया, उसने श्रीलंका जो पाकिस्तान को हरा के आगे आई है 50 पे आउट किया। अगर आप देखें यूरोपियन टीम ने, उधर ऑस्ट्रेलिया 400 स्कोर कर रहा है, अफ्रीका 400 स्कोर कर रहा है, इंग्लैंड 400 स्कोर कर रहा है, जब यहाँ पे डेड पिचेस पे आएंगे इंडिया में, तब वो कितना स्कोर करेंगे, तब पाकिस्तान क्या करेगा मुझे बताएं। जब इंग्लैंड जैसी टीम पाकिस्तान को 400 स्कोर मारेगी, पाकिस्तानी टीम 3 दफ़ा भी बारियां लेके आ जाएगी ना, आप 400 स्कोर नहीं कर पाएंगे। अच्छा वलीद, कहा जा रहा है आज का मैच फिक्स था, क्या कहेंगे? ट्विटर पर ट्रेंड चल गया है कि आज का मैच फिक्स था, क्या कहेंगे कि जेलसी में कहा जा रहा है या वाकई में आपको इसमें कुछ सच नज़र आ रहा है? यार देखो ये सच बिल्कुल नहीं है, श्रीलंका की जो प्लानिंग थी कि हम
सिंगल डबल करके, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने किया सिंगल डबल करके ना, हम अगर 270 तक स्कोर कर लेते हैं, सच में वो इंडिया के लिए तंग हो जाना था, क्योंकि इंडिया के श्रीलंका के स्पिनर बहुत अच्छे हैं, पर इंडिया की आज गुडलक थी, उन्होंने मौका ही नहीं दिया। ये मैच फिक्स बिल्कुल भी नहीं है, हम जिसे कह सकते यार मानो ना, बॉल ब्रेक हो रहा था, सिराज बैट्समैन को नचा रहा था, बुमराह उनके पास है, बुमराह ने तो अभी सही तरह परफॉर्मेंस दिखाया ही नहीं है, बुमराह अपनी पूरी बॉल कर ही नहीं रहा था, बुमराह तो वो श्रीलंका वाले बुमराह को खेल ही नहीं सकते हैं। आवाम तो सिर्फ ना लाइक पाकिस्तान और इंडिया में यही बात चीज़ है, अगर पाकिस्तान जल्दी आउट कर दे मैच फिक्स है, उधर से मैच फिक्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ जेलसी है जो भी कह रहे हैं मैच फिक्स। ये वाकई में एक टैलेंट है और ये पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेड बन गया, इंडिया सामने आया है कि हम एशिया की टीम को बहुत इजीली ले रहे हैं, यूरोपियन टीम सोच समझ के वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान आना। 21 तारीख को जो इंडिया की सीरीज हो रही है श्रीलंका के साथ, ये इसीलिए हो रही है, जो इंडियन बैट्समैन बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बॉलर्स को देखना चाह रहे हैं वो किस तरीके से आते हैं, उन्होंने हमारी तैयारी कर ली हुई है। आपको वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान कहीं भी नजर नहीं आएगा, हमारे 4 से 5 प्लेयर इंजर्ड हो चुके हुए हैं, हमारी तैयारी कोई नहीं है, हमारे शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के कुछ इख्तलाफात आपस में नजर आ रहे हैं, सारी टीम तो आपस में लड़ी हुई है, हम सबसे पहले आपस में यूनिटी लेके आए, हमारी टीम की यूनिटी बिल्कुल नहीं है, हम तो यार इंडिया तो हमें कच्चा खा जाएगा, हम इंडिया खेलने जाएंगे। अहमदाबाद के अंदर जब 135,000 का क्राउड हमें देख रहा होगा, शहीन से तो बॉल वैसे नहीं होगा, शहीन तो 2-4 चौकों पे प्रेशर लेके बैठ जाता है, शदाब पता नहीं किन सोचों में पड़ा रहता होता है। यार हमें ये मानना पड़ेगा इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, ये मानते हैं, हर बंदा पहले भी मानता है, जो नहीं भी अब जो अभी भी कह रहे हैं ना मैच फिक्स था, वो भी मानते हैं कि इंडिया के पास नंबर 1 बैटिंग है, पर हमें ये भी मानना पड़ेगा इंडिया के पास बॉलिंग भी नंबर 1 आ गई, मोहम्मद सिराज उनके पास इतना अच्छा बॉलर है, बुमराह इतना अच्छा बॉलर है उनके पास, कुलदीप यादव इतना अच्छा मैजिक स्पिनर आ गया उनके पास, किस चीज़ की कमी है उनकी, फील्डर उनके पास है, एक्सपीरियंस उनके पास है, वर्ल्ड क्लास कैप्टनसी उनके पास है, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट उनके पास है, तो हम किस खेत की मूलियाँ यार, हमें सबसे पहले आपस के इख्तलाफात खत्म करने पड़ेंगे इंडिया को हराने के लिए। हम कहते हैं भाई इंडिया हमारा प्रेशर लेता है, मैं देखूंगा इंडिया आपका प्रेशर लेता है, शहीन शाह अफरीदी जो प्रेशर डालने आता था इंडिया की टीम के ऊपर, देखिए वो कहाँ गया है, हल्का सा बॉल लगे इंजरी करवा के बैठ जाते हैं, कोई बैट से गिरता है इंजरी करवा के बैठ जाता है, ये सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं। हमें सबसे पहले अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भाई इंडिया की बैटिंग के साथ साथ उनकी बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अगर इस जगह पर शुक्र करें कि श्रीलंका की जगह पाकिस्तान नहीं था, अगर पाकिस्तान होता तो शायद पाकिस्तान 30 ओवर खेल पाता, हम 100-150 कर पाते, वो तो शुक्र है हमें श्रीलंका ने बाहर किया, 20 कम हुई है। अगर इंडिया बाहर करता तो आज हमारी आंखों में आंसू भी होने थे और हमने आज रो भी रहा होना था, कहना था यार ठीक है इंडिया जीत गया तो क्या हुआ, जीतो है हारो हमें पाकिस्तान से प्यार है, ऐसी बातें करने से बेहतर हम यार वर्क करें, मेहनत करें। अब 21 तारीख को शहीन की शादी है, हमारे प्लेयर कोई वर्कआउट नहीं करेंगे यार, होली वाले दिन भी विराट कोहली से अपनी जिम के अंदर जाके जिम कर रहा था, अपनी गेम पे फोकस कर रहा था, हमारे प्लेयरों ने अभी से ही शहीन की शादी की तैयारी शुरू कर लेनी है, सूट सवाने ने याशी करनी है, यार आप क्रिकेटर हो, आप एथलीट हो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने आपको ज़ाया ना करो, यही उम्र है खिलाने की और वर्ल्ड कप 5 साल बाद आता है, इसमें अगर कुछ नहीं करोगे ना तो जितना हमें आपसे प्यार था ना एशिया कप से पहले, जितनी आपकी हाइप क्रिएट की हुई थी, इंडियन मीडिया तक आपकी तारीफ कर रहा था, पर आपने सबके मुंह बंद अपनी परफॉर्मेंस से किए हैं, बिल्कुल जीरो, लानत ऐसी टीम पे। आपका नाम? अली रजा। सर क्या कहेंगे, आज इंडिया ने तारीख रकम कर दी है, 15 ओवर्स में पूरा मैच खत्म, श्रीलंका टीम को उन्होंने बुक करके घर भिजवा दिया, रन ही नहीं बनाने दिए इंडिया ने आज श्रीलंकन टीम को। मैं सबसे पहले आपकी बात को सेकंड करूंगा, आज इंडिया ने वाकई एक तारीख रकम कर दी है, वो इस टाइटल के साथ साथ अपना एक रिकॉर्ड भी ओडीआई क्रिकेट में अपना रिकॉर्ड बना चुके हैं, 50 ओवर्स की गेम है और 50 स्कोर पे आप डिफेंडिंग टाइटल को, उन जैसी टीम को आप 50 स्कोर पे रोक के रख दें, तो इंडिया ने के इंडिया से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन जो इंडिया ने आज आउट ऑफ द वे आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्मेंस दी है वो हमारे लिए भी अमेजिंग था। इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इंडिया एशिया कप के आप स्टार्टिंग से देखें, स्टैट उठा के देखें, शुरू से ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ भी दे रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ भी दे रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने, नो डाउट ये बात की बात है कि वो हार गए हैं, लेकिन आज का जो मैच था आज तो उन्होंने हैरान करके रख दिया है, हम से ये उम्मीद ही नहीं कर रहे थे, हम चाह रहे थे जब मैच शुरू हुआ है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ये सोच चुका था कि इंडिया जीत चुका है, क्योंकि इंडिया शुरू से ही उसकी हिस्ट्री उठा के देखें वो रन चेज करता रहा है, वो रन चेजर है, आज तक उस जैसा इंडिया की टीम जैसा रन चेजर बैट्समैन किसी दुनिया के किसी भी टीम में पैदा नहीं किए और ना ही करेंगे। अगर बात की जाए बॉलिंग की तो बॉलिंग में भी आज जब आप बात करें एशिया कप से पहले की तो पाकिस्तान के चर्चे हो रहे थे, तो पाकिस्तान की ट्रायो का अटैक टेरर साबित होता था पूरी क्रिकेट वर्ल्ड में, हम कह रहे थे कि इंडियन क्रिकेट टीम से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एशिया कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की है, लेकिन इंडियन के बॉलर्स ने पूरा का पूरा पोल खोल के रख दिया, हमारी पूरी टीम को एक्सपोज कर दिया। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना पाकिस्तान की टीम होगी वो इंडिया की टीम है इस वक्त,
तो हमें ना अखलाकी तौर पे इंडिया को ये सपोर्ट करना चाहिए जो हम कर भी रहे थे, क्योंकि हम ऐसा पाकिस्तानी भी इंडिया के लिए दुआएं कर रहे थे, जैसे श्रीलंका हमें सेमीफाइनल में हरा के गया, लास्ट टाइम हमसे फाइनल्स में कप लेके चला गया था, हम इंडिया के लिए भी दुआएं कर रहे थे, लेकिन हमारी दुआएं भी काम आई हैं, लेकिन वो बात की बात थी। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, उनके बॉलर जो उन्होंने छुपा के रखे हुए थे, बॉलर मोहम्मद सिराज को उन्होंने कम बैक करवाया, और कम बैक के बाद आके इतने बड़े इवेंट में फाइनल में आके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाना कोई मजाक की बात नहीं है। अभी आप शुक्र करें, अभी उनके पास मोहम्मद शमी बाहर बैठे हुए थे, मोहम्मद सिराज ने आके जो परफॉर्मेंस दी है, चौथे ओवर में आके चार विकटें ले जाना, जबकि हम शहीन कंपेयर करें तो शहीन शाह अफरीदी की बात करें, जब वो अपने पीक पे थे हम उनसे भी यही एक्सपेक्ट करते थे, शुरुआती ओवर्स में एक नहीं तो चलो यार दो विकटें ले लेंगे, तीन विकटें ले लेंगे, जो कि बहुत रेयर होता था, बहुत कम लोग सोचते थे। लेकिन आज मोहम्मद सिराज ने आके इंडिया जैसी टीम जो समझी जाती थी कि बॉलिंग में बहुत पीछे है पाकिस्तान से, उन्होंने आके ये भी साबित किया हम बॉलिंग में बहुत आगे हैं और हमारे बॉलर्स भी बहुत आगे हैं, और इतने बड़े प्रेशर में आके एक ओवर में चार विकटें ले जाना कमाल की बात थी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ये मैच फिक्स था, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, फिक्स करना था उन्होंने, यही मैच करना था, और श्रीलंका के साथ ही करना था, श्रीलंका के साथ थोड़ी करना था। आप शुरू से देखें एशिया कप, चले आप दूर ना जाएं, एशिया कप कोई फॉलो कर ले, एशिया कप के शुरू से परफॉर्मेंस देखें इंडिया की टीम की, पाकिस्तान के खिलाफ वो कितना अच्छा चले हैं, वो भी फिक्स था। 2 सितंबर को जो ईशान किशन चला है, जिन्हें आईपीएल का बच्चा कह के ट्रोल किया जाता था, उसने अपना लोहा मनवाया, अपने आप को साबित किया है, वो भी फिक्स था। अगर हम बात करें 7 सितंबर की, तो तब आके केएल राहुल ने सेंचुरी की है, 8 को विराट कोहली ने सेंचुरी की है, वो भी फिक्स था। ये फिक्स करने वाली बात, ये छोटी सोच है। कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो, या BBCI की बात करें, वो मैच को, खेल को जुए की तरह लेती है। ये मैच फिक्स था, कह रहे हैं कि ट्विटर पर नंबर 3 पर ट्रेंडिंग चल रही है कि एशिया कप का ये फाइनल मैच फिक्स था, इसीलिए श्रीलंका क्रीज पर टिकी नहीं पाई। देखें BCCI की बात करें तो लोग जितना बड़ा जिसका लेवल होगा ना, उसके ऊपर उतने ही बड़े इल्ज़ाम भी लगेंगे। अगर ये BCCI पर लग रहा है तो उनका निशान है, उन पर ये इल्ज़ाम लग रहा है, ये इल्ज़ाम PCB पे नहीं लग सकता, अफगानिस्तान बोर्ड पे नहीं लग सकता, श्रीलंकन बोर्ड पे नहीं लग सकता। अब वो बड़ा बोर्ड है तो ठीक है, उन पर इल्ज़ाम भी लगेंगे, लेकिन मैं एज आ स्पोर्ट्समैन देखूँ, एज आ क्रिकेट फैन देखूँ, तो ये फिक्स नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम बात करें कि फिक्स तब उस सूरत में हो सकता था जब इन्होंने इंडिया की टीम ने सिर्फ इस मैच में परफॉर्म किया होता। अब इंडिया की टीम शुरू से ही परफॉर्म करती आ रही है, बैटिंग में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है, बॉलिंग में उन्होंने अपने आप को मनवा लिया है, तो हम ये नहीं कह सकते फिक्स था, उनकी शुरू से यही परफॉर्मेंस थी, उन्होंने अपनी लेगेसी को कंटिन्यू किया है। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडिया की कारकर्दगी ने आज पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है, और वर्ल्ड कप की टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्या कहेंगे? क्या वर्ल्ड कप के लिए तमाम टीमों को और मजीद भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी? इंडिया अब खतरा साबित हो चुका है, अपना टैलेंट जमा चुका है, अब तैयारी जितनी मर्जी कर लें, अब मेरे ख्याल से इंडिया वर्ल्ड कप ले चुका है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि इंडिया बैटिंग में तो पहले ही नहीं कंट्रोल होता था, अब तो बॉलिंग नहीं कंट्रोल हो रही उसकी, अभी तो ये एशिया की पिचेस थी, एशिया की पिचेस में ही वो ये हाल कर रहे हैं। आप देखें, इंडिया का सबसे पहले वर्ल्ड कप में उनका अपना होम ग्राउंड होगा, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, कि इंडिया का अपना होम ग्राउंड है, अपने होम ग्राउंड में अपने क्राउड में रह के परफॉर्मेंस देना, वैसे ही डबल हो जाती है आपकी परफॉर्मेंस, जब चेयर करने वाले आपके अपने लोग होते हैं। और वैसे भी अगर परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो इंडिया बॉलिंग में भी बहुत आगे जा रहा है, उनके कुलदीप यादव को देख लें। जबकि आप बात करें एशिया कप की, एशिया कप का जो टॉप विकेट टेकर है वो है श्रीलंका का वेलालेक, जिसने 11 विकेटें ली हैं, जबकि कुलदीप यादव की बात करें उसने 2 मैचों में 9 विकेटें ले ली हैं, जबकि हमारे हारिस रऊफ ने पूरे एशिया कप में 9 विकेटें ली हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने 7 विकेटें ली हैं, नसीम शाह ने 8 विकेटें ली हैं। 2 मैचों में 9 विकेटें ले जाना, पाकिस्तान जैसी टीम की 5 विकेटें ले जाना, श्रीलंका की 4 विकेटें ले जाना, ये तो अभी उनके स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें उनके फास्ट बॉलर की, तो मोहम्मद सिराज ने जो आज परफॉर्मेंस दी है, 4 विकेटें उन्होंने 1 ओवर में ली हैं, 2 विकेटें बाद में ली हैं, 6 विकेटें ले गए हैं वो। जो उनका इस टाइम ट्रायो बन चुका है, जसप्रीत बुमराह का, मोहम्मद सिराज का, कुलदीप यादव का, उनकी बात करें तो अब उनका ट्रायो रूल करेगा, बैटिंग के साथ साथ इंडिया बॉलिंग में भी रूल करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की बड़ी कामयाबी पर? इंडिया की कामयाबी बहुत दिल खुश हुआ है। अगर हम बात करें, मैं ऐसा पाकिस्तानी भी इंडियन फ़ैन हूँ और इंडिया को ही सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अगर बात की जाए हम पाकिस्तानी होकर इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, ये छोटी सोच की बात है, टैलेंट की बाउंड्रीज नहीं होती, टैलेंट जहाँ भी हो उसे सपोर्ट करना चाहिए, और इंडिया की परफॉर्मेंस जो है उसको डिज़र्व करती है कि उन्हें लाइक किया जाए, उन्हें लव दिया जाए। तो मैं इंडियन टीम के लिए दुआएं कर रहा था, आज इंडिया ने अच्छी
बैटिंग अच्छी टीम होने के साथ साथ अच्छा हमसाया होने का भी सबूत दिया, उन्होंने हमारा बदला भी बहुत अच्छे तरीके से लिया है।